जौनपुर जिले के न्याय पंचायत मोकलपुर के ग्राम पंचायत मुगलपुर की प्रधान पद के प्रत्याशी रेणु जायसवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजू यादव को एक मतों से हराकर विजयी हुई हैं। आपसे बता दें कि मतगणना के दौरान काफी उठापटक था, दो बार रिकाउंटिंग हुआ, फिर भी मोकलपुर की रेणु जायसवाल ने एक मतों से विजयी होकर ये साबित किया कि हाँ उन्होंने जीत हासिल की है, जिस पर काफी विवाद हुआ प्रशासन ने और संजू यादव के पति से काफी नोकझोंक हुआ, लेकिन अंततः रेणु जायसवाल को एक मतों से विजयी बनाकर प्रमाण पत्र दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह रही, इस गणना के दौरान प्रशासन प्रत्याशियों के हित पर खड़ी रही। जो ही रेणु को एक मत से विजयी बनाया गया, संजू यादव के पति ने काफी अंगड़ा लगाया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि मौके पर उप जिलाधिकारी मणियाहू, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी मणियाहू आदि की देखरेख में रिकाउंटिंग हुई, जिसमें रेणु जायसवाल को एक मतों से विजयी का करार दिया गया है। मणियाहू से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। यहाँ न्याय पंचायत मोकलपुर के मोकलपुर ग्राम सभा से जो प्रधानमंत्री विजयी उम्मीदवार है हमारे साथ में खड़ी है, बहुत ही गहमा गहमी के बीच भी ये चुनाव रिजल्ट आया है। आपको बता दूँ कि कल जब ये चुनाव हुआ था तो एक वोट से आगे, दो वोट से पीछे, ऐसा चलते चलते पूरी रात वैसे ही मंडल रखा गया था। सुबह उप जिलाधिकारी मणियाहू अंग्रेज दुबे जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो उस पर एक वोट से, मात्र एक मत से विजय श्री हासिल की है। आइए मैं प्रत्याशी से बात करता हूँ कि जो एक मतों से वो विजय हुए हैं, विजय श्री मिला है, वो क्या कहना चाहती हैं और कैसे अपने खुशी का इजहार करना चाहती है। अमन, क्या नाम है आपका? कौन सा ग्राम सभा है? मैम, आप सिर्फ एक मत से विजय श्री हुई है, तो आप ग्रामवासियों के साथ कैसा करना चाहते हैं? सभी ग्रामवासियों को बधाई होगी, उनका आशीर्वाद मिले। देखा, इतनी खुशी है उनके अंदर, सबसे नहीं मिल रहा है, क्या बात है। सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों को बधाई दिया, अपने लिए नहीं, ग्रामवासियों के लिए। सर, आपको जैसे आपके ग्राम सभा प्रधानमंत्री के लिए है, आप अपने हिसाब से ग्रामवासियों के लिए क्या करना? सबसे पहले हम इस जीत की बधाई सभी ग्रामवासियों को देना चाहेंगे और परिवार को इस जीत की बधाई देना चाहेंगे, और सबसे प्रमुख साधनता ये रहेगी कि अपने गांव में सर्वांगीण विकास के लिए हम 5 साल निरंतर तत्पर रहेंगे और किसी को अपने यहाँ से निराश नहीं होंगे, और जो ये जीत एक लोगों से हमें मिली हुई है, इसका अपने ग्रामवासियों मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा, और इसका इतिहास समेत 5 साल में उनको हम लौटाएंगे और सदा हमेशा रेडी रहेंगे। देखा, इन्होंने कहा कि हम तो एक वर्ष से जीते हैं, जिसको बस बहुत समय तक होता है, उसको 5 साल में होता है। सर, ये आपका चुनाव जो है कल से ही उठा पटक चालू था, इसमें प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए, प्रशासन बहुत ही दुष्ट और दुरुस्त था, प्रशासन ने एक न्यायिक कार्य किया है, प्रशासन से हमें भी ये उम्मीद थी और हमें विश्वास था, और मैं अपने जनता का विश्वास है कि हम सही होंगे, और प्रशासन ने भी पूरी तरह से निष्पक्षता से हमारे साथ नहीं किया। हम प्रशासन को बहुत कोट कोट धन्यवाद देना चाहेंगे और वो एक बिना धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस जीत के लिए जो है, जो हमने जीत मिली हुई है, अपने जनता के लिए, अपनी जनता को हमें धन्यवाद देना चाहेंगे, और सभी को हम एक बार फिर से बिना धन्यवाद देंगे इस जीत से जो है, हमारे इस जीत का श्रेय हम सभी अपने जनता को देंगे। बिल्कुल सोचे हैं, सारा ग्राम हम पहले से बना के रखे हैं, हम अपने किसी भी जनता पर निराश नहीं होने देंगे, जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी कार्य आएंगे, सबको एक समान तरीके से सबका साथ सबका विकास के साथ हमारा लेकर चलेंगे, किसी को हम ना नहीं करेंगे, चाहे वो कोई हो, हम सबके लिए तत्पर।
आपने सुना, इन्होंने कहा कि हम कहने में विश्वास नहीं करने में विश्वास रखते हैं और हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और 5 साल हम किसी को विनाश नहीं करेंगे। मैं रिपोर्टर कपिल सिंह, IN24TV मरिया हूँ होकर। क्या नाम है आपका? रेनू जैसा। किस ग्राम सभा से हैं? ग्राम सभा मुखलपुर से। कितने मतों से आप विजयी हुई हैं? एक मत से। एक मत से जी। आपके प्रतिद्वंदी कौन थे दूसरे नंबर पे? विनोद यादव, संजू यादव। संजू यादव, विनोद यादव। हाँ। जैसे मैम आपके गांव की जनता आपको जिता करके प्रधान पद दिलाई है, तो आप अपने गांव की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? जनता का विकास करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। जैसे आपको एक वोट से सिर्फ जीत मिली है और जीत तो जीत होती है, उसके लिए आप अपने ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे? सभी ग्रामवासियों का आभार।